क्या लकी भाई? ओ, ओ भाई किधर जा रहे हो, क्या हो गया? ओए नौकर, मैं अंदर जा रहा हूँ। नौकर? तुमने मुझे नौकर कहा? अबे घर जमाई नौकर ही होता है। वो नौकर होता है अपनी सास का, अपने साले का, अपनी बीवी का। तुम्हारा नौकर कहाँ से आ गया? क्योंकि मैं तुम्हारा साला हूँ। ये नया साला कहाँ से आ गया? पापा ने अम्मी से पहले भी कोई शादी की हुई थी। यार रखी भाई क्या मजाक है, मुझे अंदर जाने दो। क्यों जाने दूं अंदर, तुम हो कौन? अबे मैं स्वीट हूँ स्वीट, आंखें खोल कर देखो। और तुम्हारी ये मजाल नौकर कि तुमने मालिक को रोका? स्वीट, किस पागल खाने से भाग के आए हो तुम? खुदा की कसम अक्की भाई, अगर मेरी हट गई ना तो क्या करेगा, क्या करेगा? अम्मी से शिकायत लगा दूंगा। अम्मी से शिकायत लगाएगा? अबे शक्ल देखिए। अरे बहुत बार देखिए, और अम्मी को चढ़ाता भी मैं ही हूँ, वो जब भी आपकी बाट लगाती है। बातें तो तुम स्वीट की तरह ही कर रहे हो। अबे जब मैं स्वीट हूँ तो बातें भी उसी की तरह ही करूँगा ना। ये कौन सी नई मुसीबत आ गई, पहले कम मुसीबत है? मैं पुरानी वाली ही मुसीबत हूँ। यार ड्रामा करना है ना तो कहीं और जाके करो। अबे भाई मैं इसी ड्रामे में काम करता हूँ, मैं स्वीट हूँ स्वीट। मैं पागल हूँ लेकिन ये ऑडियंस पागल नहीं है, ये जानती है कि तुम स्वीट नहीं हो। ऑडियंस को जो कहोगे वो ही करेगी। दानिश मर गया था क्या? हाँ? अभी PSL में सलमान इकबाल के साथ बैठा हुआ था। ऑडियंस ने माना कि नहीं माना? क्या मान लिया? कि दानिश जिंदा है। तो बे वो हुमायूं सईद है जो दानिश का कैरेक्टर कर रहा था। अच्छा बस बस, ज्यादा आवाम को टोपियां नहीं पहनाओ, दानिश जिंदा हो गया है और मेरे पास तुमों के सीजन 2 में काम कर रहा है। हमारा प्ले भी तो ARY पे चल रहा है ना यार। यहाँ नहीं चलेगा तुम्हारा कोई ड्रामा, चलो निकलो। ट्रक आ रहा, हटो। ट्रक? अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे चलो। अम्मी 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 अम्मी, कौन हो भाई तुम? अम्मी आप मुझे क्यों नहीं पहचानी? अम्मी आपने क्या दवाई नहीं खाई या इंजेक्शन नहीं लगवाया? अम्मी अम्मी जान, ये आदमी अपने आप को स्वीट बोल रहा है और मुझे बिल्कुल स्वीट की तरह चकमा देके अंदर घुसाया। अरे मैं ही स्वीट हूँ, आप लोगों को क्या हो गया है? अल्लाह माफ करे, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था। क्या मतलब? इनका मतलब ये है कि तुम्हारी शक्ल हमारे स्वीट से बिल्कुल नहीं मिलती। तुम चुप करो। ओके पड़ गई ना डांट। अम्मी आप इससे इतने काम करवाए इतने काम करवाए, इसको अपने असली माँ बाप याद आ जाए। तुम्हें कैसे पता कि अक्की को अपने असली माँ बाप याद नहीं आते? अम्मी जान मुझे ये शख्स बहुत बड़ा जादूगर लग रहा है। ओ भाई जादूगर क्या, मैं स्वीट हूँ स्वीट, इसी घर में रहता हूँ और सारी बातें जानता हूँ अम्मी है। मुझे घबराहट हो रही है, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे क्या जमाना आ गया, माँ अपने बेटे को नहीं पहचान रही। अक्की भाई आपने मुझे पहचान लिया है तो आप मुझे जाके बर्गर बना दें, वो भी चीज वाला। वर्दा वर्दा को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, बर्गर बनाओ चीज वाला। क्या हो गया है, क्या ड्रामे चल रहे हैं, मेरे खिलाफ प्लानिंग हो रही है। अच्छी खासी शक्ल है, खूबसूरत हूँ, स्मार्ट हूँ। एक मिनट, ये कौन है? ये तो मैं हूँ। वर्दा 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 स्वीट। क्या हुआ स्वीट को? मर गया। या अल्लाह मेरा भाई मर गया। अरे मरा नहीं है। तो फिर वो बदल गया? क्या मतलब बदल गया? मतलब बदला भी नहीं है। कि क्या कह रहे हो, मर गया है, बदल गया है, बदला भी नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? वर्दा एक लड़का बल्कि आदमी घर पे आया, वो अपने आप को स्वीट कह रहा है। और तुमने उसे घर में भी बुला लिया? अरे दरवाजे से जूते लगा के बाहर भेज देते। वो स्वीट की तरह मक्कारी करके अंदर घुस आया और बातें भी बिल्कुल स्वीट की तरह कर रहा है। जरूर कोई बहरूपिया होगा। किसी बहरूपिया को हमारे घर के बारे में इतना कैसे पता हो सकता है? वो बिल्कुल स्वीट की तरह हरकतें और बातें कर रहा है। चलो मेरे साथ, अभी दो सवाल करूंगी ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, फिर क्या होगा? मुझे क्या मालूम क्या होगा। चलो वर्दा इस बार बड़ा सीरियस केस आया, बिल्कुल स्वीट की तरह मुझसे बर्गर मांग रहे, मैं तो उसके सामने ही नहीं जा रहा हूँ। चलो अक्की। हाय वर्दा। तुम कौन हो? अभी तुम ड्रामेबाजी ने शुरू कर देना। एक्सक्यूज मी, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही और तुम कोई मेरे भाई भाई नहीं हो। उठो चलो निकलो यहाँ से। अरे कहाँ चलो, मेरा घर यही है। तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हाँ तो मेरे सिवा इस घर में अकलमंद है कौन? अच्छा बहुत स्मार्ट हो तुम। अच्छा जरा ये बताओ हमारे पापा कहाँ गए हुए हैं? अरे तो आसान सी बात है, हमारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और वो दूसरी वाले के साथ रहते। दूसरी बीवी? अच्छा और दूसरी बीवी से कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं। अरे क्या हो गया वर्दा, अब मुझे ये छोटी छोटी बातें भी नहीं पता होंगी। अच्छा तो फिर ये बताओ कि ये अक्की कौन है? घर जमाई। सईद मिर्ची कौन है? मेरा दोस्त। और उसके पापा क्या करते? गत्ता बनाने की फैक्ट्री है। यार ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम बिल्कुल स्वीट की तरह बात कर रहे हो। मैं ही स्वीट हूँ। और तुम हर बात जानते भी हो। एक बात सुनो, मुझे 1000 रुपए चाहिए, दोस्तों के साथ बॉलिंग करने जाना है। क्या 1000 रुपए तो मांगे और तुमने कहा था ना मांग लिया करो, चोरी नहीं किया करो, तो दे दो ना प्लीज। अम्मी अम्मी को नहीं दो ना। अम्मी अम्मी देखो अम्मी भी इसके सारे पैसे रखती है, अब क्या करूं कहां से लाऊं? अम्मी अम्मी मुझे कुछ मत बताना, मुझे पहले बहुत टेंशन हो रही है। कमरे में छुप के बैठने से टेंशन हल नहीं होगी। मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आखिर स्वीट खुद कहाँ है? मुझे तो लगता है स्वीट को इसी आदमी ने अगवा कर लिया।
और उसे सारी बातें पूछ के खुद स्वीट बन के आ गया यहाँ। ये बहुत नामुमकिन बात है। क्यों नामुमकिन भाई, ऐसा हो सकता है? से हमारी उस स्वीट की वो बातें भी पता है जो स्वीट से कोई नहीं निकलवा सकता। तो अब क्या करें वरदा? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो खुद स्वीट की तरह बात कर रहा है और उसकी बातें सुनकर लग रहा है कि उसकी बातों पे यकीन कर लूं। ना ना बाबा, मैं इस अजीब आदमी को अपना स्वीट हरगिज नहीं मान सकती। हम आगा मामू को बुला लेते हैं। अरे आगा क्या कर लेगा, क्योंकि सवालात के जवाब तो ये बिल्कुल ठीक ठीक दे रहा है। एक मिनट, स्वीट मेरे पैसे चुराता था और अपने पैसे मैं कहाँ रखती हूँ ये बात सिर्फ मुझे पता है या स्वीट को पता है? तो फिर मैं उसे लेकर आती हूँ, अभी पता चल जाएगा कि वो कौन है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बर्गर बना के दो वरना 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 मैं अम्मी के पैसे चुरा कर तुम पे इल्जाम लगा दूंगा। और तुम्हें पता है अम्मी मेरी कितनी बात पे यकीन करती है? शक्ल बदल जाने के बाद भी तू इतना कमीना है स्वीट। थैंक यू। तुम बर्गर बना रहे हो ना? तुम्हारी शक्ल कैसे तब्दील हो गई? अबे कौन सी शक्ल मेरे भाई, यही शक्ल है मेरी। नहीं, जिस शक्ल पे मैं थप्पड़ मारता था वो बड़ी नरम मुलायम थी। अबे अभी कौन सी शक्ल पे कांटे निकल आए? नहीं, अब मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने से डर लग रहा है। वाकई? हाँ, इसका मतलब है मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ। क्या हो रहा है ये? देखो तुम्हारा भाई मुझे थप्पड़ मारने वाला है। देखो अक्की, मेरा भाई तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकता, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अब मार सकता हूँ क्योंकि अक्की को मुझसे डर लग रहा है। अक्की, तुम्हें स्वीट से, मेरा मतलब है तुम्हें इस आदमी से डर लग रहा है? डर नहीं, अजीब सा लग रहा है। वैसे अजीब सा तो मुझे भी लग रहा है। क्या अजीब सा लग रहा है? तुम अजीब से लग रहे हो। अच्छा, पहले डर के ऐसे भागी थी जैसे मुझे नहीं किसी भूत को देख लिया। भूत तो अम्मी को देख के भाग जाते हैं। मतलब मैं कोई बहुत ही खौफनाक चीज हूँ? जो भी हो, स्वीट नहीं हो। मुझे तो लगता है इस आदमी के अंदर स्वीट की रूह घुस गई है। की मतलब स्वीट मर गया है? मेरा भाई मर गया। स्वीट मरा नहीं है, तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हुआ। वरदा, स्वीट को लेके जल्दी मेरे कमरे में आओ। और अम्मी को भी चैन नहीं है, पापा सही छोड़ के गए थे। और सुनो, बर्गर बना के रखना मेरे लिए। अच्छा, अच्छा। हाँ जो। अरे वाह अम्मी, लगता है सारे सीन आपके यहाँ पर है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? है, मुझे तो खुशी है, वरना आपका लाउंज में कब्जा रहता है। ये तो सब जानते हैं। मैं तो आपका क्रेडिट कार्ड का पिन कोड भी जानता हूँ, क्योंकि बैंक से आप पैसे मुझसे ही मंगवाती थी। बताओ क्या पिन है? 1403। वरदा मेरा पिन चेंज करो वरना ये सारे पैसे ले उड़ेगा। क्यों ले उड़ूंगा, मैं आपका बेटा हूँ, कोई डाकू थोड़ी हूँ। हाँ मेरे बेटे हो मगर अजीब से हो। मैं बाबा पे चला गया हूँ। जवानी में तो बहुत खूबसूरत थे। अभी मेरी जवानी आई कहाँ है? अच्छा अच्छा, तुम ये बताओ कि अम्मी जो पैसे रखती है वो स्वीट कहाँ से चुराता है? दो तीन जगह है, और वैसे अम्मी जहाँ कम रखती है ना वो जगह इनको भी नहीं पता। हाँ हाँ बताओ। नहीं मैं नहीं बता रहा, आपको पता चल जाएगा। बता दो। मैं आंखें बंद करो। अच्छा बताओ, बताओ। ये रखो, ये लो। अरे वापस रखो। अरे माँ गर्मी खराब हो जाएंगी। नहीं होते, रखो यार। देखा, मैं ही हूँ स्वीट। मैं तो मान गई हूँ, अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। थैंक यू, शुक्रिया। या अल्लाह, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अम्मी, ये आपके अमाल है जो आपके आगे आ रहे हैं। ये इसका कड़वापन इस बात की निशानी है कि यही स्वीट है। 100% बिल्कुल। ये सईद को मिर्ची लगी होंगी। अरे सईद मिर्ची, अम्मा एक पाव ले आऊं मैं। अबे सईद मिर्ची, तू ये बबलू तो नहीं है? अबे ये तो बबलू है, तुम कौन हो? अबे दूंगा उल्टे हाथ का कि कौन हूँ मैं। ओ कम ऑन यार, स्वीट को बुलाओ। इंग्लिश मैं स्वीट ही हूँ। ओ यार, हम लोग स्वीट के दोस्त हैं। ये बबलू मेरा कजन है, 5 साल बाद जर्मनी से वापस आया है। पकड़ा किस चक्कर में गया था और कैद क्यों था वहाँ पे? ओ नहीं भाई, तो ये 5 साल बाद वापस क्यों आ रहा है? मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था। अमलियात, अबे इतनी पढ़ाई कर रहा था, पाकिस्तान आने का तेरे पास टाइम ही नहीं था? हाँ चल फटाफट 19 का पारा सुना। ये कौन जाहिल इंसान है यार, मुझे लग रहा है आंटी ने कोई नौकर रख लिया है। अबे नौकर क्यों रखेंगी, घर जमाई घर का सारा काम करता है। यार एक काम करो, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करो, जाके स्वीट को भेजो अंदर से। अबे मैं स्वीट हूँ स्वीट। ओ चलो चलो अंदर चलो, पागल समझा हुआ मैं। अच्छा तो तुमने कल अब्बा के 2000 रुपए नहीं चुराए थे? हाँ चुराए तो थे। आज सुबह क्लिफ्टन में लड़की ने गाड़ी रोक कर तुझे थप्पड़ नहीं मारा था? हाँ मारो तो था यार। फिर मैं कौन हूँ? अरे बबलू भाग, मुझे स्वीट के रूप में शैतान लग रहा है, चल। अबे यार ये भी भाग गए, क्या हो रहा है मेरे साथ? शैतान तो मेरे अंदर बचपन से है, कोई नई बात थोड़ी है। या अल्लाह खैर करे, या अल्लाह। अरे यार किस किस्म के लोग आ जाते हैं, तो भूख लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। अकी भाई यार बर्गर ले आओ यार।
यार बहुत शदीद भूख लग रही थी। थैंक यू अकी भाई, थैंक यू। बाहर कौन आया था? सईद मिर्ची, बबलू के साथ। बबलू कौन? सईद मिर्ची का कजन है, 5 साल बाद जर्मनी से वापस आया है। सईद मिर्ची ने तुम्हें पहचान लिया? अरे यार वो भी ड्रामेबाजी कर रहा था, अब सूट के सर में कोई सिंग थोड़ी होती वगैरह वगैरह। देखो यार, मतलब सईद मिर्ची ने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया ना? मैंने भी उसकी पोल खोल दी, कल उसने अपने अब्बा के 2000 रुपए चुराए और आज सुबह क्लिफ्टन में एक लड़की ने गाड़ी रोककर उसको चमाट मारा था। तुम उसके साथ थे? अरे जाहिर सी बात है अक्की भाई, मैं बराबर वाली सीट पे ही तो बैठा हुआ था। लड़की ने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा? और मैंने तो उसको फौरन बोल दिया सॉरी सिस्टर। मतलब छेड़ा तुमने ही था? अरे छेड़ा कहाँ था, उसकी गाड़ी बराबर से गुजरी, 2-4 जुकते मार दी बस। अब मुझे यकीन आ गया। क्या? कि तुम स्वीट हो और किसी ने जादू से शायद तुम्हारी शक्ल बदल दी है। शक्ल वैसी है, तुम लोग खाम का टेंशन ले रहे हो। अच्छा अच्छा, तुम आराम से यहाँ पे खाओ बर्गर, मैं जरा अम्मी की टेंशन देख कर आता हूँ कहाँ तक पहुँची। और वो चाय? हो सकता है स्वीट ठीक कह रहा हो, उसकी शक्ल बचपन से ऐसी हो, हम ही उसे कुछ और समझ रहे हो। आपको स्वीट की शक्ल याद नहीं है? नहीं। अम्मी आपको अपनी औलाद की शक्ल नहीं याद? बेटा मैं क्या करूं, मुझे तो तुम्हारे पापा की भी शक्ल बस धुंधली सी याद है। हाँ सईद मिर्ची ने भी स्वीट को पहचानने से इनकार कर दिया है। क्या? लेकिन वो तो बिल्कुल स्वीट है, कोई फर्क ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है अकी, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? मेरा दिमाग तो यही कहता है कि ये शख्स और स्वीट एक ही एक्सीडेंट में मारे गए, फिर अल्लाह मियां ने इनको दोबारा जिंदगी दी लेकिन फरिश्तों ने रूह गलत जिस्म में डाल दी। हाँ ऐसा हो सकता है। मतलब स्वीट जिंदा होगा लेकिन उसके अंदर इस शख्स की रूह होगी? जी अम्मी जान। तो अब क्या करें? सबर, इसी को स्वीट समझ लेते। मेरे पास एक टेस्ट और है। तो क्या है जल्दी बताओ। स्वीट का कमरा। स्वीट के कमरे को क्या हुआ? अरे स्वीट के कमरे में सिर्फ स्वीट जा सकता है। हाँ दूसरा कोई जाता है तो वो बेहोश हो जाता है। तुम्हारा कहने का ये मकसद है कि इस आदमी को स्वीट के कमरे में भेज के टेस्ट करें? हाँ अगर वो असली स्वीट है तो नॉर्मल रहेगा, वरना या तो बेहोश हो जाएगा या तो मर जाएगा। यस गुड आइडिया, चलो। अरे स्वीट कहाँ गया? अम्मी वो स्वीट नहीं है। तो क्या बुलाऊं उसे मैं? जब तक पता नहीं चल जाता तब तक स्वीट ही कहना पड़ेगा। लेकिन वो गया कहाँ? वापस चला गया। वापस कहाँ जा सकता है? अपने घर। तो यहाँ क्यों आया था? हाँ शायद हमें बेवकूफ बनाने आया। मतलब कोई भी आदमी उठ के आएगा और अपने आप को स्वीट बताएगा तो हम मान लेंगे। तो फिर गया कहाँ बताओ? कहीं उसने सुन तो नहीं लिया कि हम उसे स्वीट के कमरे में भेज रहे? हाँ वो जब ही डर कर भाग गया है। लेकिन मेरा स्वीट कहाँ है वो भी तो नजर नहीं आ रहा। अम्मी मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा कि वो बिना किसी कार्रवाई के चला कैसे गया। क्या मतलब? मतलब चोरी करके भागता तो बात समझ में भी आती ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चोरी करके भागा हो? मुझे तो लगता है ऐसा ही हुआ होगा। जल्दी से चेक करो फिर। स्वीट स्वीट, अगर वो वाकई स्वीट है तो कहीं मेरे पैसे तो नहीं चुरा रहा। मेरे ड्रॉस में भी कैश खुला पड़ा है। मैं जाके देखती हूँ। मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। मेरे पास तो स्वीट के कमरा रह गया। बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबको सबसे अनोखा, सास की लात खाई तो समझ आई, दिया सबने मुझको है धोखा। बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबको सबसे अनोखा, सास की। शुक्र अल्लाह का मेरे पैसे तो हिफाजत से पड़े और मेरा भी कैश पूरा सलामत पड़ा हुआ। और एक अजीब सा स्वीट स्वीट के कमरे में आराम से सो रहा है। सो रहा है? वो भी आराम से? वो मरा नहीं? ना ही बेहोश हुआ है। इसका मतलब वो ही स्वीट है। लेकिन उसकी शक्ल का क्या करें? अरे लानत भेजे शक्ल को। हाँ पहले भी तो हम उसकी शक्ल पर लानत ही तो भेजते थे। लेकिन अम्मी जान पहले भी तो हमें उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। बहुत ही बुरी शक्ल थी वैसे। इतनी बुरी तो नहीं थी। अम्मी वैसे ये साबित हो चुका है कि वो स्वीट ही है। हाँ हाँ वो स्वीट ही है। लेकिन उसकी शक्ल बदली कैसे, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे आपने ड्रामों में नहीं देखा किस तरह लोगों की शक्ल चेंज हो जाती है? प्लास्टिक सर्जरी। अच्छा अभी सुबह वो घर से निकले, 2 घंटे बाद वापस आए तो प्लास्टिक सर्जरी होगी, टांके वांके सब ठीक हो गए। मेरा तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। लानत भेजे स्वीट पर, मैं आप दोनों के लिए चाय और बर्गर्स बना के लाता हूँ, आराम से बैठ के खाइएगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच अक्की, तुम हर मसले का हल निकाल लेते हो। बेबी मेरा तो काम ही है। और अम्मी जाना टेंशन ले ले, शायद सो के उठने के बाद स्वीट की शक्ल तब्दील हो जाए। हाँ वैसे ऐसा हो तो सकता है। हाँ और मुझे तो टेंशन से बहुत भूख लगी है बेटा, एक बर्गर बना दो और साथ में चाय, मजा आ जाएगा। अभी लाया अभी लाया। जीते रहो। बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबको सबसे अनोखा, सास की लात खाई तो समझ आई, दिया सबने मुझको है धोखा। बना मैं घर जमाई, पड़ गई बुराई, मिला सबको सबसे अनोखा, सास की लात खाई तो समझ आई, दिया सबने मुझको है धोखा। मुझे मिल गई सजा, हाय हुआ जो हाल मेरा, ओए ओए फिरूं सबसे क्या है। चाय नहीं लाए और ना ही बर्गर लाए? मैंने नकली स्वीट को रंगे हाथों पकड़ लिया है। हैं?
क्या करते हुए? आपकी अलमारी से पैसे चुराते हुए। नहीं। कितने पैसे चुराए? 2000, बाकी वापस रख दिए। लेकिन 2000 भी चुराए क्यों? अम्मी ये तो आदत है स्वीट की। भाई मैं बहुत तंग आ गई हूँ इसकी इस आदत से। लेकिन साबित हो गया ये आदमी स्वीट ही है, चिंदी चोर कहीं का। जाओ और अभी बुला कर लाओ उसे, अभी निकलवाती हूँ पैसे उससे। वरदा बेटा तुम जरा अपने कमरे में तो जाओ। क्यों? क्या मतलब? मुझे अक्की से बात करनी है। मेरे सामने करें? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मेरे सामने करें। बेबी तुम जाओ, अपने पैसे बचाओ, कमरे में जाओ। मेरे पैसे, मेरे पैसे। जी अम्मी बोले। हवा वाह क्या दिमाग है। क्या हो रहा है अक्की भाई? अम्मी और वरदा के लिए चाय बना रहा हूँ और बर्गर भी। मेरे लिए भी बना दो ना प्लीज अक्की भाई। तुम्हारे खाने की मशीन 24 घंटे चलती रहती है? यार जवान हूँ, भूख तो लगेगी ना। जवानी भी इंसान से कैसे कैसे काम करवाती है वैसे। तो भूख लगना तो अच्छी बात है ना। और चोरी करना वो बहुत बुरी बात है। मैं लानत भेजता हूँ चोरी करने वाले पे और करने पे। 2000 चुराए बस, ज्यादा चुरा लेते। इतने चुराता हूँ कि अम्मी बर्दाश्त कर ले, ज्यादा चुराऊंगा ना अम्मी जान से मार देंगी। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जब तक वरदा कमा रही है बस। घटिया इंसान, तुम्हें अपनी माँ और बहन पे रहम नहीं आता? रहम आता है मगर बहन पे, अम्मा पे नहीं आता, क्योंकि अम्मा वरदा की सारी सैलरी दबा के बैठ जाती है। मतलब अम्मी के पैसे चुराने को तुम अपना हक समझते हो? आप बिल्कुल सही समझे मेरे दोस्त। फिर तो अम्मी का फैसला बिल्कुल ठीक है। मुझे घर से निकालने का? नहीं। तो बताए ना कि भाई अम्मी ने क्या फैसला किया। अभी से बता दूंगा तो मजा खराब हो जाएगा। तुम अम्मी के साथ मिलके मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। क्या करें भाई, मजबूरी है। मैं अभी गुर्दा को, मेरा मतलब वरदा को जाके बताता हूँ। जाओ जाओ लगाओ तीलियां, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मेरे लिए कॉफी बनाना, मैं चाय नहीं पीता। फिक्र ना करो, शानदार कॉफी बनाऊंगा। क्रीम व्रीम ज्यादा डालना और झाग वाली बनाना। हाँ वो कड़वी वाली ना? नहीं नहीं ज्यादा कड़वी नहीं। ओ अच्छा, तुम तीली नहीं लगाने जा रहे थे? हाँ मुझे याद है, मैं अभी वर्दों को पता कराता हूँ। मैंने तो रीचेक कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे तो पूरे हैं। यम्मी। क्या? ये अम्मी। अम्मी जान आपकी चाय और बर्गर्स। थैंक यू बेटा, दे लुक सो नाइस। अम्मी आप ये घर जमा के साथ मिलकर मेरे खिलाफ क्या साजिश कर रही हैं? क्या प्लानिंग कर रही हूँ ये तो नहीं बता सकती, क्यों कर रही हूँ ये बता सकती हूँ। क्यों? Why? तुम्हारी चोरी की आदत से हमेशा के लिए निजात हासिल करने के लिए। इससे ज्यादा क्या होगा, हाथ काटेंगी और क्या करेंगी? नहीं नहीं नहीं, अब मामला वो लेवल क्रॉस कर चुका है। अम्मी जान आपकी चाय, वरदा की चाय, मेरी चाय और स्वीट की चाय ठंडी हो रही है, अब पीते हैं ना? थैंक यू अक्की भाई, थैंक यू। प्लीज। जी जी। अम्मी। ओह थैंक यू, जीते रहो जीते रहो। बेबी। लुक्स गुड। थैंक यू। कम है? अक्की। बहुत अच्छे बर्गर बनाते हो अक्की। बहुत मजे के। और खाओ ना पूरा। चाय पियो चाय। क्या हो गया मेरे गले में? क्या हो गया? बेवकूफ इंसान, तुम्हारी चाय में मैंने जहर मिला दिया है। और जहर आदमी, तूने ये क्या किया? क्यों किया? एक तो तुम्हारी शक्ल बदल गई, ऊपर से तुम्हारी चोरी की आदत मनोज। अरे तुम जैसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। अपनी बहन की सैलरी में से हसब तौफीक हसब हैसियत थोड़े से पैसे चुराए। मैं तो जिंदा हूँ। शादी करके पछता के गई हर खुशी नहीं शांति, मेरी जिंदगी गड़बड़ गड़बड़ बना बांस की मैं बांसुरी, मेरी सास करे बुड़ 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 बुड़। घर जमाई बना घर जमाई बना घर जमाई।